शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज तू अपनी मुंह बोली माँ की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश लेने आएगा। राम सौदी। डाबर, अपने इन कुत्तों से कह दे वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब पता चला जिलर कि जब माओ की जिंदगी में मौत का तूफान नजर आते हैं तो किस तरह बेटे कानून के भागी और मुजरिम बन जाते हैं। मां के लाल, एक दिन तूने मुझे खुला मैदान दिया था भागने के लिए और आज एक मैदान मैं तुझे देता हूं। जरा भाग के तो दिखा देते। हाँ, जंबो। मां के लाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जिस तरह से बम में आग लगते ही 7 सेकंड के अंदर बारूद फट के बाहर निकल जाता है, उसी तरह से शंभू 7 दिनों के अंदर जेल की 4 दीवारी से बाहर निकल जाएगा। और आज 7वां दिन है बेटे। ना शंभू, तेरी ये 7 दिनों के हिसाब की किताब बदल डालेगा ये जेलर। तेरी ये जिद तेरी मां की जिंदगी को मौत में बदल डालेगी जेलर। जेल तो आज ही टूटेगी और वो भी तेरी मर्जी से बेटे। 12:30 बज चुके हैं और यहां से 1 घंटे का रास्ता और है। फैसला तुझे ही करना होगा, मां चाहिए या मुजरे। मां के लाल, ठीक 2 बजे वो लोग तेरी मां को गोली मार देंगे। ठीक 2 बजे। कानून की हिफाजत मैं करूंगा और मां की हिफाजत करेगा भगवान। और अगर मेरी मां मर भी जाए तो मैं अकेला रहूंगा, लेकिन अगर तुझे छोड़ दिया तो ना जाने कितने माओं के बेटे रोएंगे। What? हाँ सर, शंभू जैसे मुजरिम के साथियों की जुर्रत और जुर्म की आखिरी हद मेरी मां थी, जो इस वक्त उनके कब्जे में है। और तुम अपनी मां को बचाने के लिए शंभू को जेल से छुड़ाना चाहते हो। नहीं सर, कहीं मैं अपनी मां को बचाने के लालच में मैं अपने फर्ज और कानून से गद्दारी ना कर जाऊं, इसलिए शंभू की जेल की चाबियां ये रही। Oh my God, इतनी बड़ी कुर्बानी। विजय, जब तुमने कानून को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो कानून भी पीछे नहीं हटेगा। कहां है तुम्हारी मां? यह तो जालिम कैदी ही बता सकता सर। आओ मेरे साथ। कोई फायदा नहीं सर, 1:30 बज चुके हैं, 2 बजे मेरी मां को गोली मार देंगे। नहीं विजय, नहीं, तुम्हारी मां पर चलने वाली गोली को रोकने के लिए अपनी वर्दी और जमीर को बेचने का सौदा शंभू के साथ ये जेलर करेगा।
इस घड़ी के साथ ही तेरे लाल को दी गई मोहलत की घड़ी खत्म हो गई और तेरी जिंदगी की घड़ी भी। टोनी, इतनी गोलियां बरसाओ इस बुढ़िया पर कि इसके बेटे को अपनी मां की लाश की जगह खून में भीगी हुई हमारी गोलियों की चादर मिले। शंभू, ओ शंभू, शंभू तू आ गया, मतलब शेर ने शिकार छोड़ दिया। मां की जिंदगी कानून से महंगी लगी। खाकी वर्दी मां के सफेद कफन से घबरा गई। नहीं डाबर, उस मां के लाल ने तो मुझे छोड़ा नहीं, मैं खुद ही जेल तोड़ के भाग आया हूं। नहीं नहीं, ये मेरी बेइज्जती है, मेरे दहशत का मजाक है ये। शंभू शंभू, मेरे मस्तक में आग लग गई है, आग लग गई है। तू बता कि उस छोकरे को अपने मां के मरने का यकीन नहीं था या मेरी दहशत की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? अरे ये मुझसे पूछ, ये सबक मैंने उसे गोद में दिया था कि फर्ज के लिए मां तो क्या, मौत की भी परवाह मत करना। गोली मार दो इसको। खबरदार, क्यों एक लाचार औरत पे गोलियां चलवा कर अपनी मर्दानगी पे नामर्दानगी का दाग लगाता है? ए, क्या बोला रे तू शंभू? यही कि अब ये सिर्फ उस मां के लाल की मां नहीं बल्कि मेरी भी मां है। ओ, अपनी हर ठोकर से कानून को मुंह के बल गिराने वाला मेरा शंभू खुद मुंह के बल कैसे गिर गया? मैं क्या, इस मां के बेटे के साथ शैतान भी दो दिन गुजार ले तो वो भी मुंह के बल गिर के इंसान बन जाए। उस बेटे को दी हुई शिक्षा इसी मां की है कि दूसरों को मारकर जीना कोई गौरव की बात नहीं, मगर खुद को मारकर किसी और के लिए जीना ही जीना है। शंभू, तुम और हम कचरे के ढेर से उठने वाली वो बदबू है जिसको जमाने की नाक कभी सह नहीं सकती, और कचरा चाहे कितना भी साफ हो जाए उससे बदबू ही उठती है। कानून को पीठ दिखाकर हमसे कंधा मिलाओ, वरना तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये मत भूल डाबर कि तेरी दहशत और ताकत शंभू की हिम्मत की मोहताज है। अगर पानी न रहा तो समुंदर कैसे रहेगा, और जब समुंदर नहीं रहेगा तो उसमें तूफान कहां से आएगा? शंभू, भूल गया वो दिन जब कानून पिस्तौल का निशाना लगाए तुझे ढूंढ रहा था, तब मैंने बचाया तुझे, मैंने, और आज उसी कानून से मुझे धमका रहा है? शंभू याद रख, यही कानून तू एक बार फिर तोड़ेगा, ये जेल दोबारा टूटेगी। आज तू अपनी मुंह बोली मां की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश लेने आएगा। राम सौदी।
बराबर अपने इन कुत्तों से कह दे, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। शंभू। हाँ हाँ शंभू, जो आज यहां से अपनी मां को हर हालत में हर कीमत पे लेके जाएगा, भले ही उसे गोलियों की बौछार से गुजरना पड़े या लाशों के ढेर पे होकर चलना पड़े। मैं मानता हूं तुमने कानून के लिए जज्बात की कुर्बानी दी है, मगर मां। बेटा, तुझे दोबारा मां कहने का हक मेरे आज इस बेटे ने दिया है। शंभू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी तकलीफ मुझे इस जेल में तेरी वजह से नहीं उठानी पड़ी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मेरी वजह से तेरी मां को उन जालिमों की कैद में उठानी पड़ी। मुझे माफ कर देना मां। नहीं बेटे, नहीं, तू तो वो महान इंसान है जिसको जन्म देकर आज भगवान को भी अभिमान होगा। ओ मां, ये दो बोल बोलकर तूने शंभू को दोनों जहां का बादशाह बना दिया। जेलर, ये कैदी और सिपाही के खेल का मैदान तू जीत गया। तू जीत गया मेरे यार, तू जीत गया। एक आखिरी ख्वाहिश है, वो भी पूरी कर देगा। दोस्त, जान दे दूंगा। जान नहीं, सिर्फ जुबान दे कि आज के बाद मुझे मुजरिम करके कभी नहीं बुलाएगा। विजय, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? तुम उन कैदियों के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाना चाहते हो? उन्हें मैदान में खुला छोड़ दोगे? सारी जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा विजय। हेलो शर्मा ईयर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सुना है 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है? जी। पंकज उदास आ रहा है? जी जी। तो फिर मैं भी आ रहा हूँ। हाँ। जी जरूर आइए, इसीलिए तो ये जश्न रखा है मैंने सर। थैंक यू। कैदियों के विश्वास की जांच, देख लिया मुजरिमों के दिलों दिमाग पर विश्वास की बेड़ियां बांधने का अंजाम, टूट गया ना विश्वास का ताला। जेलर साहब, अगर ये आज आपके विश्वास को अंधेरे में डुबाकर चला गया होता तो कल दिन के उजाले में ना हम आपको शक्ल दिखाने लायक होते और ना आप कानून को, इसलिए माफ करना, आपसे बगैर पूछे चला गया। शंभू, तुमने मुझे बहुत बड़ी हार से बचा लिया, वरना आज मैं अपने आप से हार जाता। शंभू, हार तो तेरी उस दिन होगी जब तू मुझे अकेले में मिलेगा। जेलर, याद रखना, जेल की चक्की की तरह तुम दोनों को पीस कर रख दूंगा। ले जाओ इसे। मामा, कैसे आऊंगा मैं? अपनी गुड़िया बहन के लगन में कैसे आऊंगा मामा? मगर बेटे, तुम्हारे बगैर तो गुड्डी लगन मंडप में बैठेगी नहीं, और तुम्हारे नहाने की वजह पूछेगी तो क्या बताऊंगा उसे? मामा, अपनी बहन का कन्यादान इस बदकिस्मत भाई की किस्मत में नहीं है, इस जन्म में इस शंभू के नसीब में नहीं है। मामा, इस शंभू के नसीब में नहीं है। शंभू, तुम अपने नसीब को कोसो या अपनी किस्मत को, मगर गुड्डी की शादी में तो तुम्हें हर कीमत पर आना पड़ेगा, वरना बारात लौट जाएगी मेरे बेटे, बारात लौट जाएगी। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसी उम्मीद के साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। दोस्त, मैं
मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा। मुझे रिहाई नहीं चाहिए, उसके बदले में मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दो। बात क्या है शंभू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद होगा दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में मेरी एक मासूम बहन है, शंभू सिर्फ उसी के लिए जिंदा है। कल उसकी शादी है विजय। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी बहन तो मेरी भी बहन हुई शंभू। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसकी शादी में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं दोस्त, तुम शायद मुझसे भी ज्यादा एक भाई का फर्ज निभा सकोगे, लेकिन वो तुम्हें पहचानती नहीं, और मेरी बहन तब तक डोली में नहीं बैठेगी जब तक उसका ये भाई उसके सामने नहीं होगा। मेरी तुमसे इल्तिजा है दोस्त, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो। नहीं शंभू नहीं, मैं मजबूर हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। ठीक है मां के लाल, उस दिन तेरी मजबूरियां कहां थी जब तेरी मां की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, और आज मेरी बहन की जिंदगी खुशियों का सवाल है। याद रख, मैं तेरी जेल से भाग चुका था, अगर तेरी दोस्ती का भरम और मां का ख्याल नहीं होता तो तेरा यह कानून मुंह देखता रह जाता। देख विजय, मां के लाल मुझे एक दिन की, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दे, मैं यकीन दिलाता हूं गुड्डी को डोली में बिठाने के बाद फौरन तेरे पास लौटाऊंगा, इस जेल में वापस लौटाऊंगा। ठीक है, आज तुम्हारी दोस्ती ने मुझे अपने फर्ज के साथ गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखना शंभू, मैं अपने करियर को दांव पर लगाकर तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त, शंभू तेरी दोस्ती को रुसवा नहीं होने देगा, यकीन रख।